जिस गोरखपुरिया भौजी को आप लोग सीनियर सिटीजन माना करते थे, आज उनको ही क्यों जलील किया जा रहा है? सीनियर बोल के चढ़ा दिए, यही गलती हमारी। अपने आप को ब्रांड कह रही, अपने आप को सेनरी कह रही है ना। गोरखपुरिया भौजी के यहाँ फोन किए थे, पुरिया भौजी को बोल रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी यहाँ तक पहुँची हैं तो हमारे साथ शो कर पहुँची हैं, हमसे ये करवाई हैं, गलत काम करवा करके यहाँ तक पहुँची हैं। इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते? इल्जाम आपके पास क्या प्रूफ है कि आप किसी के ऊपर इस तरह से कह दीजिएगा? आप भी एक महिला है, वो भी एक महिला है। वो महिला हो के एक महिला को बेइज्जती कर सकती है तो एक महिला क्यों नहीं? आप लोग ने अश्लीलता को बढ़ावा देकर इस मुकाम को हासिल किया। पहले वो शेर नहीं है, जानवर से अपने आप को तुलना कर रही है। हम नहीं, हम जानवर से हम थोड़े तुलना कर रहे हैं। इसमें आपने अश्लीलता किया था या नहीं? देखिए, हमारा माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गया। कि जब हम अश्लीलता के खिलाफ काफी जंग यहाँ पर छेड़ दिए थे तो उसमें आपने उन लोगों का साथ दिया था जो कि अश्लील करते हैं, क्यों दिया था चुक में? तो इस चीज को आप बढ़ावा क्यों दिए, ये बताइए। आज भी हम लोग सब साथ में हैं कि अश्लीलता रुक जा। इसलिए ये आ जाएंगी ना, ये कहती हैं कि कितना औकात है, जब ये रोड पर आ जाएंगी तो एगो 10 रुपया के कटोरी लेके दे दे रे बाबा। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। अभी मैं विष्णु राज जी के घर पर गोरखपुर में उपस्थित हूं और यहां पर देख रहे हैं और आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे कि अभी काफ़ी विवाद चल रहा है। कभी अश्लीलता को लेकर विवाद हो रहा है तो कभी पूरी सब्जी को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे में कई तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में हमारे साथ बड़े बड़े यूट्यूबर अभी हैं जो कि विष्णु भाई भी हमारे साथ हैं। स्वागत है विष्णु भाई जी, आपका धन्यवाद। और संस्कृति बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। विष्णु भाई, हम ये भी कह देना चाहते हैं कि हम लोग बड़ी शालीनता से इंटरव्यू करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो जबरदस्ती करके मुँह में माइक घुसेड़ करके भी इंटरव्यू करते हैं, घर में घुस करके भी इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी इस तरह का इल्जाम लग रहा है और पैसे को दे करके भी इंटरव्यू कराने वाला इल्जाम लग रहा है। हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि जिस गोरखपुरिया भौजी को आप लोग सीनियर सिटीजन माना करते थे, आज उनको ही क्यों जलील किया जा रहा है? वही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि सीनियर मानते थे और हम लोगों के ऊपर कंट्रोवर्सी खेली कि हम पहले लक्ष्मण के घर गए तो शुरुआती झगड़ा जहाँ से हुआ भाई, उसके बेटे का वो था तो हम लोग गए भाई, और उसके बाद हम लोग घर आए, वीडियो डाले तो उसके बाद उधर से वीडियो आता है कि वो लोग गए पूरी सब्जी खा के और चले आए, बेचारे को पैसा नहीं दिए। अरे उसको भी गरीब है बेचारा, उसके बीबी को पैसा का देख के हार्ट अटैक आ गया और मरते मरते बची। ऐसा करना चाहिए तो भुजा और पेठा वेठा रख देते, खा के चले आते। क्या यहाँ पे जितने लोग बड़े बड़े स्टार ब्लॉगर हैं वो पार्टी फंक्शन इसलिए रखते हैं कि हमारे यहाँ आए, पूरी सब्जी खाए, 500 रुपया दे, गिफ्ट दे, तभी आपका पार्टी सक्सेस होगा? भैया देखिए, वही चीज ना, और उसका वो पहले उसके तरफ से थी, लेकिन जब देखे सब लोग जब डंडा करने लगे तो क्या हुआ, तब फटने लगा, बदलने लगी। और ये हुआ कि वो बोली, हमारा अगर जैनी अगर ठीक होता उसका कुत्ता तो हम भी जाते और 2-4 हजार रुपया दे के आते। अच्छा, लेकिन वो अपने आप को गोरखपुर का ब्रांड बता रही हैं। हम कैसे अपना कह सकते हैं, हमको आप सब पहचानेंगे कि हम खुद को बोल दे कि हम ही फलाने हैं, चिलाने हैं, ढकाने, हम नहीं कहेंगे। बातें करेगी, ब्रांड कह रही अपने आप को, अपने आप को ब्रांड कह रही, अपने आप को सेनरी कह रही है ना। अभी उसका भी खुलासा 1 मिनट के अंदर होने वाला है कि वो किस चीज के ब्रांड है और किस चीज के वो सेनरी है। अच्छा। बताओ, एक बार उनसे मिलिए, उनसे और पूछिए। आ जाइए इधर, इधर विष्णु भाई थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आइए विष्णु भैया, बताइए क्या, खुल कर बताइए जो भी आप बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ राशि एसआर के नाम से चैनल चलता है, हम लोग यूपी से हैं, बलिया जिला से। हमारा चैनल जब हम लोग चालू किए थे तब प्रमोट करवाने के लिए उनके यहाँ फोन किए थे, तो जो उनका गोरखपुरिया के यहाँ गोरखपुरिया भौजी के यहाँ फोन किए थे, तो जो गोरखपुरिया भौजी का चैनल चलाते हैं, संभालते हैं, उन्होंने फोन उठाया था। तब उन्होंने ये बात बोला कि हमको 2000 रुपये चाहिए प्रमोट करने का। हम लोग बोले ठीक है, हम 2000 दे देंगे, आप एक काम कीजिए, हमको गोरखपुरिया भौजी से बात कराइए। वो बोले कि गोरखपुरिया भौजी से बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे बात करते करते वो
लड़ाई के मुद्दे पे आ गए, तो वो बोले कि गोरखपुरिया भौजी क्या संभालती हैं, गोरखपुरिया भौजी कुछ नहीं संभालती, सब उसका हम संभालते हैं। ठीक है, वो संभालते हैं। तो जब हम बोले कि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम पैसा नहीं भेजेंगे, तब गोरखपुरिया भौजी को लेकर के उल्टा सीधा बोलने लगे कि गोरखपुरिया, क्या बोल रहे थे उल्टा सीधा? गोरखपुरिया भौजी को बोल रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी यहाँ तक पहुँची हैं तो हमारे साथ सो कर पहुँची हैं, हमसे ये करवाई हैं, गलत काम करवा करके यहाँ तक पहुँची हैं, और उनके पति को भी करके कुछ बोल आप, रहे थे। आप ये चीज कैसे कह सकते हैं, किसी पे इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते? इल्जाम इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि ये हमसे फोन पे बात हुआ है और उसका नंबर भी है, जिस नंबर पे हम लोग एक रुपए पे फोन चला भेजे थे वो नंबर अभी हमारे नंबर पास है। होने से नहीं होता है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप किसी के ऊपर इस तरह से कह दीजिएगा? आप भी एक महिला है, वो भी एक महिला है, वो महिला होके एक महिला को बेइज्जती कर सकती है तो एक महिला क्यों नहीं कर सकती? वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही चीज कह रहा हूँ। एक बात है, वो महिला होकर महिला का बेइज्जती कर रही है, लेकिन हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम झूठ में उसको बोल करके बेइज्जत करें। अगर जो ऐसा हो, मान लीजिए अगर होता है तो कभी भी बात किया हो तो कॉल हिस्ट्री निकल सकती है। और चलो अगर ऐसा उनको होता है तो आओ निकलवाते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है आप पर, आप लोगों पर ऐसा भी आरोप है कहीं ना कहीं कि आप लोग ने अश्लीलता को बढ़ावा देकर इस मुकाम को हासिल किया। हाँ, और ये भी कहा गया है कि हमारे यहाँ जवन लोग आएंगे सब अश्लील वाले रहेंगे। ये बताइए, आप अश्लीलता बनाते हैं, ये अश्लीलता बनाते हैं, सब अश्लीलता। सुनिए, अश्लीलता बनाते हैं तो ये सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि क्या सचमुच में आपने अश्लीलता किया था या नहीं किया? देखिए, अश्लीलता अब क्या होती है, माँ को, माँ अपने बेटे को दूध पिलाना अगर अश्लीलता है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो तो गलती से मैं, भाई मैं ये चीज कर रहा हूँ, और ये हमारा माफी मांग रहे हैं हमारा गलती हो गया था। आप सीधा कह रहे हैं कि जो हमसे गलती हो गई हम माफी चाहते हैं, अब हमारी गलती नहीं। हम ये नहीं करते हैं कि ऐसे यहाँ ये चीज कर ले, हम बताते हैं, मच्छों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमने भी ऐसा वीडियो देखा और उसके बाद ये चीज करे और इसे इसमें मगर मच्छ लेटा ले और इसे में ठंडा गिराए, तो ये हम नहीं करते। और देखिए यहाँ, यहाँ मैं एक चीज और, यहाँ निशा जलवंशी जी हैं, इधर आइए आप, इधर आइए। पिछली बार सुनिए, सुनिए पिछला बार का एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम अश्लीलता के खिलाफ काफी जंग यहाँ पर छेड़ दिए थे तो उसमें आपने उन लोगों का साथ दिया था जो कि अश्लील करते हैं, क्यों दिया था साथ, ये बताइए? हमने क्यों दिया अश्लीलता को साथ? साथ नहीं दिया। देखिए, हम उनको मजबूरी को समझते थे, हम उनको क्या मजबूरी थी? मजबूरी रहेगा तो कोई क्या नंगापन करने लगेगा? नहीं तो सुनिए, आप अगर इंटरव्यू भी लेना भी चाहते हैं तो एक बार देखिए, अगर हम गलत करते हैं तो अगर हमें अचानक से कोई भी बंदा भी आके घेर लेगा तो हमको क्या लगेगा कि हम ये बात सही है कि कोई बंदा घेर लेगा तो लोग डर जाता है, ये बात सही है, लेकिन अश्लीलता तो वहाँ पर थी, आपको कहनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई या जो भी, जैसे विष्णु भाई अभी कह रहे हैं कि हमसे, हम लोगों से पहले गलती हो गई होगी भूल चूक में, तो इस चीज को आप बढ़ावा क्यों दिए ये बताइए? आप पर इल्जाम लगा, हम नहीं बोल रहे हैं, आप पर पब्लिक का इल्जाम लगा था, कमेंट हमने आपका भी देखा था, हमने अपना भी देखा था, ये बताइए बढ़ावा हम कहाँ दिया था? मैंने वो बोला कि जब इंटरव्यू, आप साथ में वीडियो बनाती थी कि नहीं उनके साथ, ये बताइए? वीडियो बनाते नहीं, सुनिए, हम गए थे गोरखपुर में, ठीक, गए थे गोरखपुर में, भाई विष्णु भैया ने फोन किए तो हम बेलघाट से आ रहे थे, वो हमको रास्ते में देख लिया, बोला कि निशा भाभी जा रहे, तो हम कहें कि कहाँ जा, हम कहे जा रहे हैं अब घर, अब विष्णु भैया के इनवाइट में स्टूडियो में ओपनिंग होंगे तो हम लोग आएंगे। अच्छा, ये वो छोड़िए, आप अभी उनको रोकती हैं कि नहीं? हम जब से हम उनको जाने हैं, पहचाने हैं, तब से हम कितना, अगर वो 10 गाड़ी भी दे देते हैं, पूछ लीजिए हुआ आप लिए थे तब से, देखिए सुधार उसके अंदर आया था, रियल बता रहा हूँ, लेकिन फिर गड़बड़ होना क्यों हुआ? देखिए ये चीज है कि वीडियो कम, थंबनेल ज्यादा यूज करने लगा, और कल हमारे यहाँ आया था कुछ पत्रकार लोग थे, सब लोग देखे होंगे कि देख के तुरंत आवेश में आके डर के भागने लगा, कुछ उल्टा सीधा करने लगा, उस लड़के को लगता है कि मैं गलत करता हूँ, उसको लगता है मैं गलत करता हूँ, लेकिन अब उसकी क्या चीज है वो तो मैं नहीं जान सकता। दोनों पक्षों में आप लोग उनको पार्टी में नहीं बुलाए, हो सकता है कि कल होकर सब आप लोग एक ही साथ फिर कल के काट, अभी ऐसा हो नहीं सकता, अब नहीं हो सकता, जानते क्यों? क्योंकि जो औरत एक औरत का अपमान करे उस चीज को समझे नहीं, वो हमारी औकात है कि नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर माइक मुंह में घुसेड़ कर इंटरव्यू लेने की औकात हमारी है? ये ऊपर वाले नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को पावर दे रखा है, कहीं ना कहीं जबरदस्ती करके हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, कहीं हम लोग को इन्वाइट हो कि नहीं हो, हम वहां जाकर इंटरव्यू
इंटरव्यू ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूरत है कि इस चीज को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए। हम लोग सीधे रोकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन रोकते हैं और हर चीज करते हैं, क्योंकि इंसान को खुद ही हो जाता है। लेकिन और अभी बात हुआ है पैसा, कहीं आप पैसा दे के आरोप न लगे, तो देखिए वही तो हम तो कहते हैं सीधे मीडिया के सामने, तू भी आके वही चीज बोलना, क्या गलत है, तब तो जानू सही। पत्रकार जी, वो अश्लीलता को लाती सही तरीके से कि अश्लीलता रोका जाए, तो आज भी हम लोग सब साथ में हैं कि अश्लीलता रुक जा। हम देखिए, हम अब लास्ट में यही सवाल आप लोगों से करना चाहेंगे कि इस तरह की कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए आप लोग क्या निष्कर्ष निकाले हैं, कि कैसे गोरखपुरिया भौजी फिर जैसे आप लोग एक जगह केक काटा करते थे, मिलजुल के रहा करते थे, जिंदगी में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं क्यों संभव नहीं है विष्णु भाई? एक औरत तो दूसरे औरत का जिस तरह अपमान करती है और अपनी मतलब औरताना भूल जाती है कि मैं एक औरत हूँ, अपने आप को शेरनी समझती है। भैया हमें ऐसे लोग के साथ नहीं रहना, और अभी वो भी बोलेगी कि तू क्या, हम तोरे साथ नहीं रह हाई कर। पहली बार हमको बुलाई थी और बोली कि बेचारा गरीब है, लंगड़ है, और हम उसका प्रमोट किए हैं। अरे औकात है तुझे किसी का प्रमोट करने का? उसके साथ रहने की बात कर रहे हैं, कौन रहेगा, कौन औरत उसके साथ रहेगी, आप बताइए। हम तो कहीं भी नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग जाते हैं जब भी इंटरव्यू करते हैं और वहां से निकलते हैं। उसकी वीडियो देख लीजिए, वो एक औरत है, किस किस तरह से, किस किस भाव से वो बना बना के दिखाती है कि औरतें ये करती हैं, और ये करने जाती हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो सीनियर है, कोई भी पत्रकार भी जाएगा, ये जो बात हम आप लोग से पूछा जा रहा है कि अश्लील है ऐसा ऐसा, लेकिन उनसे नहीं पूछा जाएगा। वो सीनियर कैसे है, कौन यही चीज बताइए, यही तुम्हारी यही गलती है, सीनियर बोल के चढ़ा दिए, यही गलती हमारी, इसीलिए हम ये जानते हैं कि वो सही हैं, वो अश्लील नहीं हैं, वो अच्छी हैं, उनके इतने गाण में दम हो तो पत्रकारों के सामने आए। वो इस पे हमारा एक सवाल वो है, पत्रकारों के सामने आए, अपनी अपनी बताएंगे। सही, बिल्कुल, गोरखपुरिया भौजी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने इस पक्ष का जो है बयान ले लिया है, आप अपने पक्ष का बयान अगर वीडियो को देख रही है तो जरूर देने का प्रयास करें, भले ही हमारे चैनल के माध्यम से नहीं, लेकिन किसी न किसी चैनल के माध्यम से आप बयान जरूर दीजिए। मैं खुद कह रही हूँ, आप गोरखपुरिया भौजी को करीब से जानते हैं, क्या वो अश्लीलता का सहारा नहीं ली है? बहुत ज्यादा। अब देखिए वीडियो देख के वो अपने आप को कौरव का जो सेना, कैसे नहीं लिए, हमसे पूछो, मैं बताऊं। अरे विवाद में आने के लिए यूट्यूबर का नाम ली है, विवाद में आने के लिए हर यूट्यूबर का नाम लिए, क्यों नहीं लिए, हमसे पूछो। मेरा घर अयोध्या जिला है, मैं चंदा भाभी ब्लॉग के नाम से जानी जाती हूँ, मेरा 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर, 2-3 चैनल है, तीनों पर 2-2 लाख है सब्सक्राइबर, मेरा नाम चंदा हो जान ले, क्यों नहीं बनाती है? उसके तरह विष्णु नटराज नहीं बनाता, 2 वीडियो बनाया, झुक के माफी मांगा, साया उठा लो, उसके बाद मर्द निकलता उसमें से, उसके बाद दोनों बेटियां निकलती हैं, ये कौन सा वीडियो है, ये अश्लीलता नहीं है? ये ब्रांड यूपी का मोहर लगना चाहिए। सुनिए, उसके बाद में कुत्ता रोता, कोई ऐसे रोता है, कोई ऐसे ऐसे घसर के रोता है, कुत्ता मरता है तो नहीं हमारे घर कोई मर जाएगा, ना ही आपके घर कोई मर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके रोएंगे आप, ये अश्लीलता नहीं है? उसके गांड में इतना दम हो गोरखपुरिया भौजी को, तो जैसे हम लोग न्यूज़ दे रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, वैसे वो पत्रकारों के सामने आए, और वो कहती है ना सब व्यू पाने के लिए पत्रकार वो कर रहे हैं, पत्रकारी उनका कहाँ है, तो मनीष भाई के पास है, कौन नहीं पाना चाहता है ये बताइए, पास हो ना हो मनीष भाई के पास है, मनीष भाई जाए उनके पास, उन सामने आके वीडियो बना, वो अपनी उस सामने रखे, अपनी बयान को आप सामने रखिए अगर वीडियो देख रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है, आपने अभी तक सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से रखा है कि खिचड़ी खाने को खत्म हो गया, सब लोग भाग आए वहां से। अच्छा। अभी साइड डाली है, बड़े समूह को ये कहा जा रहा है कि सब लोग अश्लील है, अश्लील, इतने बड़े समूह में लोग अश्लील आपसे जुड़े हैं, वो अकेला सती सावित्री नमन की अश्लील है, और आवाज चला देख ले की क्या कहे, सबका वीडियो उठा के देख लो, कोई के पति कोई अपने बीवी के ढोड़ी में पानी डाल है, ऐसे सीढ़ी पर लेट जाएगी, उसका पति उसके ऐसे पानी डालता है, किसके द्वारा होगा, उनको झुकना पड़ेगा और अपने आप को मानना पड़ेगा कि मैंने गलत किया है, यानी कि वो ये कबूल कर ले कि हमने गलत किया है, तभी आप लोग सब एक साथ हो सकते हैं, नहीं साथ तो नहीं होंगे, लेकिन इस मुद्दे को खत्म करते हैं। इंटरव्यू को देख करके वो बौखला गई है, हाँ बौखला गई है, आने के साथ साथ ये कह रही है कि हमारा विवाद विष्णु जी से आप बीच में क्यों है? अरे तो बारूद के नामे से कब जाता है लोग, भले वो शेर नहीं है, जानवर से अपने आप को तुलना कर
कर रही है, हम नहीं, हम जानवर से हम थोड़े तुलना कर रहे हैं, वो खुद कर रही है। और जितना भी बात उन्होंने बोला था पूरा हमने सबूत के साथ कल यहीं इसलिए पे ये आ जाएंगी ना, ये कहती हैं कि कितना औकात है, जब ये रोड पर आ जाएंगी तो एगो 10 रुपया के कटोरी लेके दे दो रे बाबा, ये करने पर मजबूर हो जाएंगी अगर ये यूट्यूब पर एक महीना ये वीडियो नहीं डाले, हम भी नहीं डालते हैं, है ना, तब देखते हैं केकर स्थिति कैसन होता है। सही है, हाँ ये चैलेंज है मेरा, कल भी एक चैलेंज दिए थे, लेकिन चैलेंज सब ही व्यूज का खेल है, गोरखपुरिया भाभी के नोटंकी सब। सीधा सीधा हम यही कह देना चाहते हैं आप सभी से कि यह व्यू और टीआरपी का खेला हो सकता है, बाकी आप लोग क्या इस वीडियो को देख के कहना चाहते हैं अपने अपने राय विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।